आज झामुमो जिला कार्यालय में 50वें स्थापना दिवस की तैयारी पर एक अहम बैठक आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह एवं संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन ने की। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सदर के विधायक सुदेव कुमार सोनू एवं गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद उपस्थित हैं। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनू ने कहा कि झामुमो का गिरिडीह जिला में स्थापना का 50वां वर्ष मनाया जाना है। इस बार सभी प्रखंडों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सभी पंचायतों में सभी के घर जाकर 4 मार्च हेतु आमंत्रित करना है और 50वां स्वर्ण वर्ष को ऐतिहासिक बनाना है। साथ ही साथ झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए जा रहे कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। वर्षों से लंबित झारखंड राज्य अलग राज्य आंदोलनकारी को अब चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही इन लोगों को सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर अमन ने कहा कि गांडे से हर बार की तरह इस बार भी बड़े हुजूम में जनता निकलेगी और आने वाले स्वर्ण 50वां स्थापना दिवस को सफल बनाएगी। श्री सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिला में झामुमो जिला समिति का 50वां स्थापना दिवस मना रही है और व्यापक रूप से इसकी तैयारी की जाएगी। इस बार झंडा मैदान में ऐतिहासिक भीड़ जुटने की उम्मीद है और शहर के हर चौक चौराहों को सजाया जाएगा। संभवतः झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का आगमन होगा, उसी तर्ज पर तैयारी भी की जा रही है। सभी प्रखंडों के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, साथ ही झारखंड राज्य अलग राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैसे इसको अच्छे ढंग से बनाया जाए, अधिक से अधिक अपने साथियों को लाया जाए और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस प्रोग्राम में आएंगे और जो भी दिशा निर्देश होगा आगे के लिए वो सब मेरी मान्य।